हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नींबू का अचार लेकर के आए हैं। ये नींबू के अचार की रेसिपी बहुत ही इजी होती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना। यहाँ पे हमने नींबू ले लिए हैं जो कि गिनती में 10 नींबू हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें नींबू का अचार बनाना है जो कि बहुत ही इजीली और झटपट बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है दूसरा बाउल। अब हम इसे अच्छे से पोंछ के अपने सारे नींबू जो हैं इस तरह से रख लेंगे। इन्हें हमें अच्छे से पोंछ लेना है। मैंने अपने सारे नींबू जो हैं अच्छे से सुखा लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है। अब हम इसे आप जैसे भी चाहें उस तरह से इसे काट सकते हैं। अगर ये साइज आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसे बीच से भी काट सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे तैयार कर लेंगे। हमने अपने सारे नींबू इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। एक चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है और इसमें हम ये सॉल्ट, सबसे ज़्यादा सॉल्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे अच्छा वाला सॉल्ट टाटा का यूज़ किया है। आप हो सके तो टाटा वाला ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे 3-4 चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से, ज़्यादा ज़्यादा सॉल्ट डालने से क्या होता है, ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो प्लीज़ आप जो है ना सॉल्ट अच्छा ही यूज़ करें। तो बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, हमारा अचार रेडी हो जाएगा। मैंने इसे सॉल्ट से कवर कर दिया है हर तरीके से। इसमें हर एक पीस में सॉल्ट अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे स्टोर करके रख देंगे और धूप में 2-4 दिन रखेंगे तो ये धीमे से तैयार हो जाएगा। ये नींबू का अचार बनाना बहुत ही इजी होता है, तो ये बहुत ही आसानी और कम चीज़ों से बन जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार। अब हम इन्हें स्टोर करके 3-4 महीने के लिए रख देते हैं और अच्छे से इन्हें रोज़ धूप दिखाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 3-4 महीने हो चुके हैं, ये हमारा अच्छे से जो है नींबू का अचार रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप किसी चीज़ के भी साथ, पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।